नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज 20 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में छा गया बिहार के साहित्यकार। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा बिहार का दूसरा रोपवे। बिहार में इंटर में नामांकन के लिए अंतिम तारीख बढ़ी आगे। विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मियों की होगी नियुक्ति। बाढ़ प्रभावित गन्ना किसानों के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा फॉर्म लेट फीस के साथ भर सकेंगे इस तारीख तक। बिहार बोर्ड ने छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा फॉर्म लेट फीस के साथ भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है, जिसके तहत अब छात्र 24 सितंबर तक ये काम कर सकते हैं। इसके पहले बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 17 सितंबर तय की थी। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान छात्र रजिस्ट्रेशन कार्ड में भरे गए गलत जानकारियों को भी ठीक करवा सकते हैं। इसके तहत जिन भी अभ्यर्थियों ने अब तक फॉर्म नहीं भरा है, ऐसे अभ्यर्थी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं इंटर परीक्षा 2022 के लिए वेबसाइट senior secondary.biharboardonline.com पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में छा गए बिहार के साहित्यकार। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में बिहार के साहित्यकार का बोलबाला देखने को मिला, जिसके तहत हिंदी के लिए अनामिका, उर्दू के लिए हुसैन उल हक और मैथिली के लिए डॉक्टर कमलकांत झा को सम्मानित किया गया। ज्ञात हो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का सम्मान समारोह अब जाकर हुआ है, क्योंकि इस पुरस्कार की घोषणा इसी साल मार्च में की गई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण सम्मान समारोह नहीं हो सका था। वहीं अब जाकर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में देश के अन्य साहित्यकारों के साथ ही बिहार के भी इन तीन साहित्यिक हस्ताक्षर को नवाजा गया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, लंबे इंतजार के बाद आयोजित कार्यक्रम में कुल 22 साहित्यकारों को नवाजा गया, जिनमें से 3 बिहार के रहे। बिहार में प्राइवेट और सरकारी बसों का बढ़ेगा किराया। अगले महीने से बस में सफर करने वाले यात्रियों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, क्योंकि बिहार में प्राइवेट और सरकारी बसों के किराए में बढ़ोतरी होने वाली है। इस बाबत परिवहन विभाग ने निजी और सरकारी बसों का संशोधित किराया निर्धारित कर दिया है। किराए की नई दरों को अगले महीने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की तरफ से अंतिम मुहर लगने के बाद लागू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार किराए की नई दरों से लोगों की जेब पर कम से कम 15 से 20 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। हालांकि बस किराए को लेकर जारी संशोधित दावा आपत्ति को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा बिहार का दूसरा रोपवे। बांका जिले के बौंसी के मंदार में देश विदेश से हर साल पर्यटक घूमने आते हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कम हो गई, लेकिन अब जो भी पर्यटक आने वाले समय में बांका जिले के बौंसी के मंदार में घूमने आएंगे, उन्हें रोपवे का आनंद मिलेगा, क्योंकि सूबे के दूसरे रोपवे का उद्घाटन आगामी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। जानकारों की माने तो रोपवे निर्माण कार्य का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता धनंजय नारायण ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है। पंचायत चुनाव के दौरान स्ट्रांग रूम में लगेंगे इलेक्ट्रॉनिक ताले। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। हालांकि इस बार का पंचायत चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल और बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल साथ में किया जाएगा। वहीं चुनाव को और ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी हो रही है। यही कारण है कि अब स्ट्रांग रूम में इलेक्ट्रॉनिक तालों का उपयोग किया जाएगा, ताकि पंचायत चुनाव के दौरान किसी तरीके की अनियमितता न हो सके। और सबसे खास बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉनिक तालों का लॉक मोबाइल से खुलेगा। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने साफ कहा है कि रूम में अब सामान्य तालों के बजाय इस बार इलेक्ट्रॉनिक तालों का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रत्येक ताले के लिए एक नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। राजगीर सफारी और पटना जू की शोभा बढ़ाएंगे गुजरात से आए 6 शेर। राजगीर सफारी और पटना जू की शोभा अब बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर गुजरात से आए 6 शेरों को रखा जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने नई नीति के तहत एक गेंडा के बदले 6 शेरों की अदला बदली की है। इसके बाद सभी को COVID-19 जांच की जाएगी और उसके बाद उनको क्वारंटीन अवधि पूरा करने के बाद ही राजगीर और पटना जू में भेजा जाएगा। मेरी जानकारी के अनुसार गिर राष्ट्रीय उद्यान से गिर वन के शेर बिहार की ओर रवाना कर दिए गए हैं और आने वाले 3 से 4 दिनों में शेर बिहार पहुंच जाएंगे। बिहार से भी रवाना हुआ गैंडा गिर वन पहुंच चुका है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे अभिमन्यु सिंह की। अभिमन्यु सिंह का जन्म बिहार के सारण जिले में आज ही के दिन साल 1975 को हुआ था। अभिमन्यु सिंह एक भारतीय फिल्म अभिनेता हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा में काम करते हैं। उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित अक्स के साथ अपनी शुरुआत की। उन्हें पहला ब्रेक अनुराग कश्यप द्वारा निर्देशित गुलाग में रणजय सिंह की भूमिका में मिला। भूमिका में उन्हें उनके सफल प्रदर्शन के लिए 2010 स्टारडस्ट पुरस्कार भी जितवाया था। उन्होंने राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित रक्त चरित्र में
बुक्का रेड्डी की अपनी भूमिका के लिए प्रशंसा प्राप्त की। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी समीक्षा में निखत काजमी ने अपने प्रदर्शन की तुलना द डार्क नाइट के हीथ लेजर के प्रदर्शन से की, जिसने प्रमुख स्टार को पछाड़ दिया था। बिहार में इंटर में नामांकन के लिए अंतिम तारीख बढ़ी आगे। बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर की परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। बिहार में इंटर में नामांकन के लिए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत अब 21 सितंबर तक छात्र विभिन्न इंटर कॉलेजों में नामांकन करा सकेंगे। दूसरी मेधा सूची के आधार पर पहले 17 सितंबर तक नामांकन निर्धारित था। विभिन्न कॉलेजों और प्लस टू स्कूल में 17 लाख सीटों पर इंटर में नामांकन होना है। दूसरी सूची के आधार पर राजधानी के अल्पसंख्यक स्कूल में 50% सीटों पर नामांकन हो चुका है। इसके साथ ही 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक सभी जिलों के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के नामांकन बच्चों के रिकॉर्ड को पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। एशियन चैंपियनशिप में नवादा की आरती ने किया शानदार प्रदर्शन। उज्बेकिस्तान में चल रहे एशियन चैंपियनशिप में भारत ने रजत पदक अपने नाम हासिल किया, जो कि बिहार के लिए भी गौरवान्वित करने वाली खबर है, क्योंकि इसमें बिहार की दो बेटी आरती और सपना कुमारी भी शामिल थी, जिसमें आरती कुमारी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार भारत का पहला मुकाबला कजाकिस्तान के साथ था, जिसमें भारत की 10-12 से हार हो गई। वहीं भारत का दूसरा मुकाबला किर्गिस्तान के साथ था, जिसमें भारत ने शानदार वापसी करते हुए किर्गिस्तान को 63-0 से हराया। इसके बाद भारत का तीसरा मुकाबला उज्बेकिस्तान से था, जिसमें भारतीय टीम ने 20-5 से जीत हासिल की। इसके बाद भारत की जगह फाइनल में पक्की हो गई। फाइनल मुकाबला यूएई के साथ था, हालांकि भारत की आखिरी समय तक लड़ने के बावजूद 17-21 से मैच में हार मिली, और इसमें भी आरती कुमारी का प्रदर्शन काफी शानदार हालांकि देखने को मिला। विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मियों की होगी नियुक्ति। विश्वविद्यालयों में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। जल्द ही बिहार के विश्वविद्यालय में तृतीय श्रेणी के कर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। इस बाबत सभी विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी 21 सितंबर को 3 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, क्योंकि विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि नियुक्ति में पारदर्शिता लाने के लिए पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से अपनाई जाएगी। इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने डिग्री कॉलेज को ऑनलाइन संबंधन से संबंधित किया है। ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री कॉलेज 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उसे विश्वविद्यालय अपने प्रस्ताव के साथ 15 जनवरी तक शिक्षा विभाग को ऑनलाइन भेजेगा। पितृपक्ष को लेकर अलग अलग स्थानों पर तैनात होंगे 3500 जवान। कोविड-19 के वर्तमान माहौल के बीच बिहार के गया जिले में पितृपक्ष मेले के आयोजन को लेकर के तैयारियां दुरुस्त कर ली गई, जिसके बाद से बीते दिन से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। हालांकि इस बार मेले का आयोजन तो नहीं होगा, लेकिन पिंडदान को लेकर तैयारियां लगातार जारी है। इसी कड़ी में गया में सुरक्षा की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अलग अलग स्थानों पर 3500 जवानों की तैनाती की खबर सामने आई है। इन जवानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके तहत ही अलग अलग जिले में जवान गया पहुंच चुके हैं। उन जवानों को अलग अलग सरकारी विद्यालयों में ठहराया गया है। रविवार को बचे हुए जवानों के आने की उम्मीद थी। इस बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार ने बताया कि पितृपक्ष को लेकर अलग अलग जिले से बल मिले हैं, इनकी प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इस महीने की 21 तारीख को बिहार में बनेगा परिवार नियोजन दिवस। लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरूक करने के लिए इस महीने 21 तारीख को बिहार में परिवार नियोजन दिवस मनाने की तैयारी हो रही है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि समुदाय स्तर पर परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता और स्वीकार्यता पर सरकार का पूरा जोर है। इसके व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर विभाग एक पहल करने जा रही है, जिसके बाद ही अब हर महीने की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस मनाया जाएगा। सितंबर 21 को पहली बार इसका आयोजन होगा। इस दिन पर सभी चिकित्सा संस्थानों पर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने को लेकर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए जदयू ने की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए 4 अक्टूबर को मतदान होना है। हालांकि अब इसको लेकर जदयू ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी, जिसके तहत इस सीट से जदयू अपने पूर्व एमएलसी स्वर्गीय तनवीर अख्तर की पत्नी रोजीना तनवीर को अपना उम्मीदवार बनाएगा। तनवीर अख्तर की जान कोरोना संक्रमण से 8 मई 2021 को चली गई थी, तभी से यह सीट खाली है, जिस पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं जदयू ने रोजीना तनवीर को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। इसको लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की थी। बाढ़ प्रभावित गन्ना किसानों के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। बिहार में गन्ना किसानों की बदहाली किसी से छुपी नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब यह कोशिश कर रही है कि गन्ना किसानों की मदद की जा सके। यही कारण है कि बाढ़ प्रभावित गन्ना किसानों के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है, जिसके तहत मुआवजा देने की बात कही गई है, जिसकी जानकारी गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार सिंह ने दी है। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अभी तक गन्ना किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान के बाद राहत नहीं मिलती थी, लेकिन सरकार ने गन्ना किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला किया है। मैंने प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को आकलन के लिए निर्देशित किया है। रिपोर्ट आने के बाद बिहार सरकार गन्ना किसानों को भी मुआवजा देने का काम करेगी। आंचलिक साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की बेटी ने दुनिया को कहा अलविदा।
आंचलिक साहित्यकार कथाकार फणीश्वरनाथ रेणु की बेटी कविता रॉय ने बिहार के कटिहार जिले में दुनिया को शनिवार को ही अलविदा कह दिया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी अंतिम विदाई हुई। ज्ञात हो कविता रॉय को गर्व था कि वो फणीश्वरनाथ रेणु की बेटी थी। उनकी मां रेखा देवी ने समय से पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद कविता राव ताउम्र रेणु को माई कह ही रही थी। वहीं कविता के गुजर जाने पर साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने भी शोक प्रकट किया है। बीते दिन रविवार को उनका दाह संस्कार कटिहार में किया गया। यूपी पुलिस ने बिहार में की छापेमारी। बीते दिन सॉल्वर गैंग के सरगाना की तलाश यूपी पुलिस को बिहार तक ले आई। नीट परीक्षा में धांधली के प्रयास में लगे सॉल्वर गैंग के सरगाना पी के उर्फ नीलेश सिंह पटना के पाटलिपुत्र में रहता था। यही कारण है कि सॉल्वर गैंग के सरगाना की तलाश में यूपी पुलिस ने रविवार को पटना और छपरा में एक साथ छापेमारी की, लेकिन सॉल्वर गैंग का सरगाना पुलिस से दो कदम आगे निकला। पुलिस मुख्यालय की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सॉल्वर गैंग के सरगाना पी के उर्फ नीलेश सिंह को पहले से ही जानकारी थी। यही कारण है कि यूपी पुलिस के छापेमारी से पहले ही वो पटना छोड़कर दूसरी जगह चला गया। हालांकि दबिश के पीके की तस्वीर पहली बार पुलिस के हाथ लगी है। स्थानीय लोगों की माने तो महंगी गाड़ी का शौकीन पीके अपनी कॉलोनी के लोगों को खुद को डॉक्टर बताता था। मुंबई को हरा चेन्नई ने दर्ज हुई आईपीएल के दूसरे सत्र की पहली जीत। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का तीसरा मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मुकाबले में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे और उनकी जगह टीम की कप्तानी किरण पोलार्ड ने की। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीएसके ने ऋतुराज गायकवाड़ की नाबाद 88 रन की पारी के दम पर 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए। मुंबई को जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य मिला। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई की टीम की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रही। मुंबई के बल्लेबाज भी टिक नहीं सके और लंबे समय तक बल्लेबाजी नहीं कर सके। मुंबई की पूरी टीम 20 ओवर में 136 रन ही बना सकी थी। जदयू ने लगातार दूसरे दिन भी की हार पर मंथन। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जदयू भले ही सरकार बनाने में सफल हुई हो, लेकिन चुनाव के दौरान आए परिणाम इस बात के साफ संकेत है कि जनता यह जदयू से नाराज है। यही कारण है कि पार्टी को मजबूत करने की कवायद जोर शोर से जारी है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की अध्यक्षता में लगातार बैठक का आयोजन करवाया गया और दो दिवसीय आयोजन का समापन बीते दिन हुआ, जिसके तहत ही बीते दिन दूसरे दिन का मंथन देखने को मिला। इस दौरान संगठन की मजबूती के साथ ही हो रही चर्चा में 2024 और 25 में होने वाले चुनाव को लेकर नेताओं से फीडबैक लिया गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू के तीसरे नंबर पर आने के बाद ही पार्टी से लेकर लगातार नेताओं के साथ मंथन कर रही थी, जिसके तहत ही दो दिवसीय बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उन तमाम कारणों और पहलुओं से रूबरू हुए जिसकी वजह से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई थी। पशुपति कुमार पारस मनाएंगे रामविलास पासवान की पुण्यतिथि। लोजपा भले ही दो गुटों में नजर आ रही हो, लेकिन रामविलास पासवान की पुण्यतिथि से लेकर बरखी मनाने तक में पार्टी एकजुट नजर आ रही है। यही कारण है कि पशुपति पारस भले ही अपने भतीजे से नाराज हो, लेकिन अपने भाई स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाने को लेकर जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। इसको लेकर बीते दिन राजधानी पटना में बैठक का आयोजन भी करवाया गया। इस बाबत बीते दिन पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में लोजपा एवं दलित सेना के प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्षों की एक दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोजपा सांसद चंदन सिंह, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह समेत लोजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पशुपति कुमार पारस ने बताया कि 8 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की प्रथम पुण्यतिथि कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में आयोजित की जाएगी। तेजस्वी ने महंगाई को बताया भाजपा का महबूब। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन झारखंड की धरती पर अपनी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने भाजपा की भी जमकर क्लास लगाई, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कभी महंगाई उनके लिए डायन थी, आज महबूबा बन गई है। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस मजबूत होंगे तो राष्ट्रीय जनता दल भी मजबूत होगी। वो आज रांची के कार्निवल हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ने का आह्वान किया। पहुंचकर सीएम नीतीश ने सदानंद सिंह को दी श्रद्धांजलि। हाल ही में कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से लगातार उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगा हुआ है। इसी कड़ी में बीते दिन सीएम नीतीश कुमार भी भागलपुर के कहलगांव पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने सदानंद सिंह को श्रद्धांजलि दी, जिसके तहत ही सीएम नीतीश कुमार रविवार को कोल्ड स्टोरेज थाना रोड कहलगांव भागलपुर में आयोजित पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सदानंद सिंह जी के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक सदानंद सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, भागलपुर के कहलगांव पहुंचे सीएम नीतीश का स्वागत सदानंद सिंह के पुत्र ने किया। ज्ञात हो सिर्फ सीएम नीतीश ही नहीं बल्कि राज्यसभा सांसद और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी सदानंद सिंह के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने कहलगांव पहुंचे थे।
इधर तेजस्वी यादव के खिलाफ जारी हुआ FIR, वहीं दूसरी तरफ मंत्री ने की माफी की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट के नाम पर 5 करोड़ लेने का आरोप उन पर लगाया गया है, जिसके बाद अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है, जिसके तहत इस मुद्दे को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि यह राजद की संस्कृति है, इसमें कोई नई बात नहीं है, यह शर्म की बात है। नितिन नवीन ने आगे साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव को आगे आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए, इसके साथ ही माफी भी मांगनी चाहिए। ज्ञात हो इस मुद्दे को लेकर सिर्फ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि मीसा भारती समेत अन्य 6 लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज किया गया है। पंजाब कांग्रेस में जारी उठापटक के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफे के बाद पंजाब कोष का नया मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान की अनुमति के बाद पंजाब के नए CM चरणजीत सिंह चन्नी होंगे। हालांकि जानकारी के मुताबिक पंजाब नए मुख्यमंत्री के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर भी चर्चा कर रहा था, साथ ही पंजाब में नए मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी CM की भी चर्चा हो रही है। इस बीच कांग्रेस ने सभी को चकमा देकर नए CM के तौर पर चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लगाई है, जिसकी जानकारी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने ट्विटर पर दी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मद्रास का समाचार पत्र द हिंदू G.S. अय्यर के संपादकीय नेतृत्व में साप्ताहिक अंक के रूप में 1857 को पहली बार प्रकाशित हुआ। पहला कांत फिल्म समारोह 1946 में आज के दिन आयोजित हुआ। मराठी फिल्म हरीश चंद्राची फैक्ट्री को 2009 में ऑस्कर अवार्ड को विदेशी फिल्म कैटेगरी में भारत की एंट्री के तौर पर चुना गया। तेलुगु फिल्म अभिनेता और फिल्म निर्माता ए नागेश्वर राव का जन्म 1924 में आज के दिन हुआ। भारतीय फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट लेखक महेश भट्ट का जन्म 1948 में आज के दिन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद बरकतउल्ला का निधन 1927 में आज के दिन हुआ था। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,390 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,390 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 60,000 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.53 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अनिशा गुड़िया, सोनू कुमार, नीतीश कुमार, लाला कुमार, जयप्रकाश यादव, विवेक कुमार, मुकेश कुमार यादव, राजीव रंजन, सत्यप्रकाश कुमार, निकिता कुमारी, सविता रॉय, प्रीति यदुवंशी, सिंधु कुमारी, सिरोज कुमार, मोहित कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार विराट कोहली के IPL की कप्तानी अगले साल से छोड़ने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।